अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ आज, लेकिन सबसे पहले आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार बात क्या है कि इतने दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, और असल में दरमियान में मैं चैनल पर एडिट वीडियोज़ डालना शुरू कर गया था, यानी मैंने एडिट वीडियोस डालना शुरू कर दी थी क्रिकेट की। तो फिर मैंने वहाँ से अब दोबारा हट गया हूँ। मैंने कहा दोबारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही मकसद है कि हमारी जो बाइक है वो हुई है चोरी परसों, ठीक है। तो मैंने कहा आप सबके माइंड में भी लाऊँ, आप सब दुआ करें, क्या पता किसकी दुआ में असर हो और अल्लाह में किसी की दुआ सुन ले और मिल जाए बाइक। तो परसों की बात है, तकरीबन दोपहर के 3-3:30 बजे का टाइम था। मैं बाज़ार से रोटियां लाया हूँ। गलती मेरी थी। मेरे हाथ में सामान था, मैं बाइक में चाबी लगी रह गई और मैं अंदर चला गया। वो पता नहीं मेरी ताड़ में था या पीछे आ रहा था या राहगीर था या पक्का कोई गैंग का बंदा था, क्या था वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो आया, उसने देखा चाबी लगी हुई है, उसने वो साफ़ा ऐसे बांधा हुआ था पूरा, तो यानी उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। चप्पल पहनी थी वाइट कलर की, वो कैंची वाली जो चप्पल होती है वो पहनी हुई थी। सुक्का सा लड़का था, काला सा कोई। तो ऐसे आया है, आते ही वो बाइक पे बैठा है, थोड़ी सी बाइक का की है, चला गया। सीसीटीवी फुटेज वो मैं आपको डाल दूँगा आगे ब्लॉग में, बस वही ही नज़र आया, उसके अलावा कोई नहीं नज़र आया। बाकी बस कहने का मकसद यही था यार कि आप सब भी दुआ करें। बाकी आज बोहर गेट भाई गए थे वो उधर, यहाँ टी चौक वाले, शाहरुख ने आलम वाले पुलिस स्टेशन पे। तो हर सब चीज़ ये आपको पता है, इस चीज़ में टाइम तो लगता है। और आज FIR कटेगी क्योंकि उनका कोई मसला था स्टेशन में, इस वजह से नहीं कट सकी। और दुआ करें, बोहर गेट वाले पुलिस स्टेशन में 5 बाइक्स पकड़ी गई हैं, हो सकता है कि हमारी भी उसमें हो। तो आप सब प्लीज़ दुआ करें कि हमारा बिल्ला, आपको पता ही होगा मैंने पहले भी व्लॉग्स में डाला है मफिन, वो भी गुम हो गया था तकरीबन ये हफ्ता पहले। वो ऐसे शाम को जाता था, रोज़ाना रात को जाता था और सुबह वापस आता था। नाश्ते के टाइम उसे पता होता था भाई, नाश्ते के टाइम नहीं, ये नमाज़ के टाइम कि उसे पता होता था भाई मेरा ये खाने का टाइम है, चिकन का टाइम है, ये वो। मैंने आ जाना है वापस, मम्मा को आके भाई ऐसे बोलने लग जाता था भाई खाना दो जैसे बोलते हैं बिल्ले। तो उस दिन वो गया और वापस नहीं आया। अच्छा, हमने कहा उससे पहले भी एक दिन वो गया था, लेकिन वो आपको वो नज़र आ रही हैं, वो टैंकी, दो टैंकी नज़र आ रही हैं, ये वाइट और ब्लू वाली। शाम को 4-4:30 बजे इधर आके वो बैठ गया, मुझे नज़र आ गया, मैं इनके घर गया, मैं जल्दी जल्दी से इनके घर से ले आया। तो उस दिन वो नहीं आया, उस दिन आया ही नहीं। मगरिब हो गई, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया, इनके घर जा रहा हूँ, घर में चढ़ रहा हूँ, उनकी छतों पे चला गया, इधर इधर सारा सब जगह पता कर लिया, लेकिन नहीं पता लगा। 6 दिन के बाद, पूरे के पूरे 6 दिन बाद, हमारे के ट्यूशन पढ़ने आते हैं बच्चे सिस्टर के पास। तो सिस्टर ने उन्हें कहा कि अगर उन्हें भी पता था मफिन का, आते जाते प्यार करते उसे ये वो। तो टीचर ने उन्हें कहा कि अगर, मेरी सिस्टर ने कहा कि अगर मफिन कहीं दिखे तो ज़रूर बताना। तो उस रात वो गया और अचानक उसके घर ही आ गया मफिन, यानी ये पिछली गली में जाता था, पिछली गली में चला गया, उसकी गली में गया, उसके घर जाके बैठ गया। वो भागता भागता आया, उसने कहा मसूद भाई मफिन मिल गया, हमारे घर है। मैं भागता भागता गया, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसके बाल भी डेड हो गए और इतना गंदा हो गया। उस दिन हमने नहलाया था उसे, इतना साफ़ किया था, और गुम हो गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसे भी। तो बस कहने का मकसद यही था कि अल्लाह से दुआ करो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको यही बता, अभी चलते हैं नीचे, मैं आपको मफिन से भी मिलवाता हूँ। अब तो हमने उसे ज़रा बांध बांध के रखा हुआ है, यानी अभी भी वो कहता है मैं चला जाऊँ। अभी चलते हैं नीचे, रखते हैं जल्दी से। आइए जी, तो माशाल्लाह आप सही है, इसके बाल सारे डेड हो गए, इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे हम, इसका ट्रीटमेंट करवाया। बस दुआ करें।
यार मेरे जो है 400 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। प्लीज़ 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 यार भाई को सपोर्ट करो। 400 सब्सक्राइबर्स हो गए तो 1000 भी होना मुश्किल नहीं है। और अभी बस अभी तो सारे सोए हुए हैं, नमाज पढ़ के मम्मा भी सो जाती हैं, से मैं भी सो जाता हूँ। और अभी उठेंगे, फिर नाश्ते का कोई सामान लेने जाएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। और इसके काम देखें, ये बाहर आ रहा है मफिन मफिन। ओए 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 किधर आ रहा है, ओ किधर आ रहा है? ना 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 मफिन, ये क्या है भाई? मज़ा ना आए तो पैसे वापस। वाह नया टेल, ये यहाँ पे यहाँ का इंटरनेट है। और ये कहते हैं डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन साइनअप, 1000 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन साइनअप। ये देख लो आप जी के काम देखो, चूने लगाने में कैसे माहिर हैं ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। अभी ये वापस नहीं जा रहा, मुझे इसने अकवा दिए। मफिन चल वापस चल। और हमारी बाइक जो है वो यहाँ खड़ी हुई थी बिल्कुल, और यहाँ से वो लड़का आया, पता नहीं इस गली से आया, सामने से आया। ये जो सामने वाला घर है ना, इनका कैमरे का इन्हें पासवर्ड भूल चुका है। सिर्फ इस वाले कैमरे का, वो जो कैमरा लगा है ना, इसकी हमें फुटेज मिली है, वो मैं तो लगा दूंगा फुटेज अभी। तो यही यहाँ से वो आया इस साइड से, आया यहाँ से बाइक लेता हुआ इधर गया। अब ये भी नहीं पता, लेकिन नहीं सामने तो नहीं गया, इस तरफ ही मुड़ा है गली में, क्योंकि वो सामने वो एक आगे घर है, वहाँ से भी मैंने पता करवाया था फुटेज का, उसमें नहीं आया। तो अभी फुटेज इंशाल्लाह आज FIR कट जाएगी। और दुआ है कि वो जो बोहर गेट में 5 बाइक्स हो गई हैं, पकड़ी गई हैं, उसमें से अल्लाह करे हमारी एक को, तो फिर तो सही है यार, दिल को सुकून आएगा। क्योंकि बाइक तो एक ऐसी चीज़ है कि घर की ज़रूरत है यार, अब बाइक के बगैर कुछ भी नहीं है, बाइक के बगैर कोई काम नहीं होता, यहाँ तक नहीं जाया जाता बाइक के बगैर, तो अब खुद ही समझे। बाकी शुक्र है अंदर चला गया। चलो 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 मफिन चलो चलो चल ना चलो 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 बस 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 शुक्र है चला गया, हम भी चलते हैं। के बाद मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बस आज के लोग यहीं से एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बस यही बताना था आप लोगों को कि बाइक का बताना था जो चोरी हुई है। बस आप लोग दुआ करो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाइक मिल जाए, और उम्मीद है कि आप सब दुआ करोगे तो अल्लाह मियाँ किसी ना किसी की दुआ तो सुनेगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Girl about a 10, I should fuck her in the best, yeah.